जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी मैं मौजूद हूँ बागेश्वर धाम में और अभी आप सामने देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। 151 जो कन्या विवाह होने वाला है बागेश्वर धाम में, तो उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आज 1 दिसंबर के दिन यहाँ चालू हो चुका है और 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। तो मंदिर की तरफ आ गए तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सिद्धिपीठ बागेश्वर धाम लिखा हुआ है। मंदिर का फ्रंट गेट यही है और 151 कन्या विवाह जो होगा, तो पूज्य गुरुदेव के उपलक्ष्य में सभी कन्याओं को एक एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था भी की गई है। तो पूज्य सरकार 151 मोटरसाइकिल जो देंगे और फिर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे पूज्य सरकार। तो अभी पूज्य सरकार धाम पर मौजूद नहीं है, धाम पर आने ही वाले हैं। लगभग 2 दिसंबर के दिन पूज्य सरकार आ जाएंगे रात्रि काल में, तो उनका दर्शन हम आपको रात्रि काल में ही करवाएँगे। तो भले ही वो रात 11-12 लगभग आ जाएंगे तो उनका दर्शन करवाएंगे। साथ साथ में आगामी कथा का जानकारी देंगे। 3-4-5 को दिव्य दरबार लगेगा बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा। तो आप लोग जितने ही वक्त कमेंट कर रहे हैं आना चाहते हैं तो आइए। ठंडी का मौसम है तो देख सकते हैं यहाँ पर, ठंडी के मौसम में भी भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठंडी का मौसम देख सकते हैं, बारिश वगैरह हो रही है। ठंडी के मौसम में भी बारिश हो रही, पूरा कोहरा जमा हुआ है, थोड़ा पानी आनी यहाँ पर गिर चुका है बागेश्वर धाम में, तो इसके कारण ठंडे बढ़ चुकी है। और जैसे ही आप लोग मंदिर के बाहर प्रांगण देखेंगे तो आप लोगों को फूल माला वगैरह यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बागेश्वर धाम में जो कार्य निरंतर जारी है, जो भी रोड वगैरह कार्य सब पूरा हो चुका है और पूज्य सरकार के आने से पहले सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई हैं। जो भी रोड वगैरह डलना था मंदिर के आसपास का प्रांगण, तो भाई जितने भी भक्त कमेंट कर रहे थे दिल्ली से जो बागेश्वर धाम की कथा दिल्ली में कब से है, 16-17-18 को बागेश्वर धाम की दिल्ली में कथा है। जो स्थान का पता अभी कंफर्म नहीं है और कंफर्म होगा जैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देख सकते हैं मंदिर के आसपास का प्रांगण देख लीजिए आप लोग। यहाँ परिक्रमा मार्ग में पेड़ वगैरह लगा दिए गए हैं, जो भी पूरा अच्छी तरीके से सजा दिया गया है प्रांगण को, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए बिना किसी देरी के वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। जो परिक्रमा करते हैं, जो भी भक्त आते हैं पहली बार बागेश्वर धाम में, जो परिक्रमा करते हैं तो उनको पुण्य लाभ अर्जित होता है यहाँ से। तो देख सकते हैं जो भी भक्त आता है उसकी मुराद यहाँ 100% पूरी हो जाती है। 21 पीसी की लगभग होने पर ही पूरी मुराद हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको जो परिक्रमा मार्ग है उसका दृश्य दिखाते हैं, फिर सीधे मंदिर के बालाजी के दर्शन भी करवाएंगे लास्ट में। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जरूर नहीं देखेंगे तो आप लोग कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देख सकते हैं सामने पेड़ वगैरह लगा दिए गए हैं, बागेश्वर धाम में पूरा गार्डन बना दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग बीच में और दोनों तरफ रोड है, बीच में कितने सुंदर वगैरह पेड़ लगा दिए गए हैं परिक्रमा मार्ग में। यही वक्त इनका पूरा सेफ्टी रखनी पड़ेगी, जाली वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो गौ माता हैं इनको तोड़ देंगी और देख सकते हैं नष्ट कर देंगी ऐसे तो खुले में, और इन पर जाली वगैरह रखनी पड़ेगी, जो कि रखा जाएगा क्योंकि अभी अभी तो पेड़ नया लगाया जा रहा है। तो देख सकते हैं इनके आसपास दुकान वगैरह प्रसाद की आप लोगों को मिल जाएंगी, तो इस यहाँ से आप लोग प्रसाद पा सकते हैं। जो भी बालाजी के समक्ष चढ़ाना चाहें ले सकते हैं आप लोग यहाँ से। जो भी झंडे वगैरह है, माला वगैरह, बालाजी की फ़ोटो, गुरुदेव भगवान की फ़ोटो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोगों की वीडियो कंटिन्यू बने रही है, हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। देख सकते हैं अभी रेलिंग खाली पड़ी है क्योंकि मंगलवार शनिवार को ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ आती है और दरबार लगता है तब आती है भीड़। देख सकते हैं रेलिंग के अंदर भी पानी पूरा भर चुका है, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ। मंदिर के अंदर का दृश्य भी दिखलाएंगे, तो देख सकते हैं पूरी रेलिंग अभी खाली पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग मंदिर के बिल्कुल जस्ट अंदर आ चुके हैं, तो सामने दर्शन कीजिए श्री बागेश्वर महादेव के, सतगुरु सन्यासी बाबा के, और देख सकते हैं आप लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन कीजिए। जो भव्य दिव्य दर्शन 1 दिसंबर के करवा रहे हैं हम आपको, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए यहीं से। अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाहर से दर्शन करवा देते हैं। मंदिर के प्रांगण का दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर हनुमान चालीसा का जप हो रहा है, आप लोग देख लीजिए सभी वक्त कर रहे हैं। आप लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहिएगा।
बात अच्छी हो जाएगी।